तो नमस्कार दोस्तों, लगातार वारदातों का सिलसिला है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप देख सकते हैं हम रेलवे रोड पर खड़े हैं और यहां से दिन दहाड़े एक दुकान का गल्ला उखाड़ लिया जाता है और उसके अंदर से 8 से 10 हज़ार रुपये लेकर चोर फुर हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन मौके पर है और हम बता देना चाहते हैं कि ये इस प्रकार की घटनाएं टोहाना के अंदर लगातार बढ़ रही हैं। डीएसपी एसपी खुद यहां के कैबिनेट मंत्री उन्होंने भी आम तर पूरे प्रशासन की मीटिंग ली थी, लेकिन उसके बाद भी वही ढाक के तीन पात टोहाना के अंदर देखे जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां से जो चोर हैं वो गल्ला उखाड़ कर भाग जाते हैं। और बिल्कुल आपका बजरंग ओहली, तो क्या बताएं किस प्रकार कैसे ये वारदात हुई है और कितने आपके पैसे लेके गए? गल्ले में कम से कम 8-10 हज़ार रुपये थे और 12:12 बजे करीब ये वारदात हुई है और मैं एक मिनट के लिए कहीं इधर गया था, इतने में पीछे से गल्ला उठा के ले गए दो बंदे थे। कोई पहचान हुई है जी किसी तरह? ना पहचान कुछ नहीं। कितने आदमी थे सर वो? दो। और पुलिस को पता दे दिया? हाँ पता दे दिया, पुलिस आ गई है लिखवा के। तो क्या कहेंगे लगातार इस प्रकार की जो वारदात है वो बढ़ रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या कहेंगे इसको बताओ, अब ये मतलब रोज वारदातें हो रही है तो इस पर कुछ गवर्नमेंट सरकार की तरफ से कोई भी वो नहीं है, इसका मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा कुछ भी। आपके चैनलों के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूँ, पुलिस अकेले भी कार्रवाई नहीं कर सकती, हमें भी स्ट्रांग होना पड़ेगा ऐसी वारदातों के लिए। और सबसे पहले जनता से अपील करूँगा, जो ये व्यापार मंडल बनाए गए हैं आगे इनके पास नंबर बनाएंगे, ये कर देंगे जी क्या हुआ जी, ये हुआ जी, वो हुआ जी, उसको छोड़ो और धरातल पे काम करो। जब तक आप धरातल पे काम नहीं करोगे, आप नंबर बनाने के लिए व्यापार मंडल बना देते हो, इसका कोई लॉजिक नहीं है। मंत्री इसी का फोटो खिंचवा लीजिए, ये कर दिया जी, मैं फलाने का प्रधान हूँ जी, दिगड़े का प्रधान हूँ जी, लेकिन जब तक व्यापारी की असली मजबूरी को नहीं समझते आपके व्यापार मंडलों को कोई फायदा नहीं है। आपने व्यापार मंडल सिर्फ अपने काम निकलवाने के लिए और सिर्फ अपने धंधे चलाने के लिए बना रखे हैं, आम पब्लिक का आप सिर्फ कोई उनसे आप आम पब्लिक का इस्तेमाल करके आप उनका बेनिफिट उठाते हो। मैं दोबारा आपके चैनलों के माध्यम से अपील करूंगा उन व्यापार मंडलों से, नहीं उन व्यापार मंडलों के खिलाफ भी एक मार्च निकालना चाहिए। आम दुकानदार की वो कोई सहायता नहीं करते, किसी मंच में सिर्फ एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए आ जाते हैं जी, व्यापार मंडल आया जी कार्रवाई के लिए अपील की। सर शहर में लगातार फोर्स भी इतनी ज़्यादा आ चुकी है, उसके बाद भी वारदातें हो रही है, उसको लेकर क्या कहें? देखो इसके पीछे कोई ना कोई गैंग तो एक्टिव है ही है जो इतनी वारदातें हो रही हैं, तो मैं देखो पुलिस भी सरगर्मी से अपनी इन्होंने कॉल किया, तुरंत आ गई तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आधा आधा घंटा पुलिस नहीं आती। पर मैं यही अपील करूँगा भी जब तक हम भी आम पब्लिक को भी कुछ अथॉरिटी देनी चाहिए। मान लो कोई मेरी दुकान पे गल्ला उठाने आता है या मेरी गर्दन पे चाकू उठा रख के अटैक करने आता है, पैसे लूटने आता है, हमें भी कोई अथॉरिटी हो भी हम भी हथियार रखें और उनका मुकाबला सख्ती से करें। अगर हम मान लो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ही फंसा लिया जाएगा। जब तक पब्लिक को थोड़ी अथॉरिटी नहीं देते आप तो ये पॉसिबल नहीं है, ये वारदातें ऐसी बढ़ती जाएंगी आप देख लेना। अभी तो शुरुआत हुई है टोहाना में, प्रशासन या पुलिस को चुनौती दी जा रही है। ये मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट को चुनौती है ये सरेआम, जो हमारे मंत्री और बड़े बड़े दावे करते हैं स्वच्छ प्रशासन, ये प्रशासन वो प्रशासन, सभी फ्रॉड है ये, मेरे को तो फ्रॉड लगते हैं। ये 80 लाख रुपए लाइटों पे खर्च दिए, कहीं सुरक्षा का कोई जिम्मेवारी नहीं बनती इनकी प्रधानों की भी किसी तरह से पब्लिक की आम जन की आम दुकानदार की सुरक्षा कर दी जाए, सिर्फ अपनी जेबें भरने तक ही मकसद रह गया इनका। ये घटना कहाँ की है? ये घटना पंजाब एंड सिंध बैंक के बराबर में जी। और कैनरा बैंक और पंजाब सिंध बैंक के बराबर की घटना है, जहाँ दो दो फाइनेंस के अड्डे बैंक और बड़ौदा के सामने ये इंसिडेंट होना कोई छोटी बात नहीं है। इस पे मैं कहता हूँ तुरंत एक्शन होना चाहिए और चोर पकड़े जाने चाहिए। अगर देखो जाघव साहब एक ईमानदार ऑफिसर है, मैं आशा करता हूँ पुलिस इस पर जल्दी कार्रवाई करेगी, पब्लिक से भी आशा करता हूँ आप इन ढकोसलेबाज व्यापार मंडल के प्रधानों से बच के रहें, ये आपका कुछ नहीं भला कर सकते। जब तक हम खुद स्ट्रोंग नहीं होंगे हमारा भला नहीं हो सकता। सर बताएंगे जो ये घटना घटी है किस जिम्मे की बात है और क्या किस प्रकार ये वारदात हुई है, कितने पैसे लेके गए? 12:30 बजे की बात है जी, और 2 मिनट लगे हैं सारे, नीचे से वो ऊपर गया मिस्त्री को समझाने के लिए और वो 2 मिनट में नीचे आ गया,
और आने के बाद जब देखा उसने गला गायब था उसका, और 8-10 हज़ार रुपये कह रहे हैं कि बीच में थे उसके। तो मेरी तो बात यही है प्रशासन से कि जैसे पहले हमारे टवाणा में हुआ था, बिजू आ गया, तो उस टाइम बिजू एकदम ख़त्म हो गया था। जब उनके जो जितने भी कह रहे थे ना बिजू आ गया, उस टाइम वो बिजू जब पकड़े नहीं कुछ नहीं, या जिस जब चार आदमी अगर लाठी पड़ी तो वो सारे ही कह रहे थे बिजू ख़त्म हो गया। वही बात ये है कि जो चोर पकड़े जाते हैं तो एक बार उनको थोड़ा सा सख्ती से निपट लें तो बिजू अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। सर क्या बताएंगे, कब पता चला आपको ये वारदात हुई है? और हमें 10 मिनट पहले पता चला है कि ये वारदात हुई है। गल्ला उठा के ले गए, दो जने थे और उनके बारे में कोई जानता है नहीं, पर दो जने गल्ला उठा के ले गए, उसमें 8 से 10 हज़ार रुपए थे और इन्होंने चोरी के लिए लिखवाई है दरखास्त। लिखवा दिए जी? हाँ जी हाँ जी। सर कितने पैसे चोरी हुई हैं? 8 से 10 हज़ार रुपये बता रहे हैं। कितने आदमी सर? वो दो बता रहे हैं, दो थे। और किस तरफ गए हैं वो? वो रेलवे स्टेशन की तरफ गए हैं। अब क्या कार्रवाई की जाएगी सर? अब कार्रवाई ये की जाएगी, पहले तो कैमरे चेक करते हैं कि किस तरफ गए हैं और फिर उसके बाद जैसे कार्रवाई बनेगी वो कर देंगे।